आदमी है मेरा देवर। रईस घराने का मर्द जब तक रात भर नाच रंग ना देखे मर्द कैसा। यह फिल्म कलकत्ता के एक पुरानी हवेली में खंडहर में खुलती है, जहां मजदूरों का एक समूह पुराने अवशेष को नीचे खींचने में व्यस्त दिखाया जाता है। जब मजदूर लंच के लिए उतरते हैं तो हम भूतनाथ को देखते हैं, जो हवेली के रास्ते भटकते हुए दिखाई देता है। वह एक जगह पर बैठता है, वहां से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि अब मूवी की टाइमलाइन 19वीं सेंचुरी के एंडिंग की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड लोअर क्लास आदमी जिसका नाम भूतनाथ रहता है, वह कलकत्ता में काम करने के लिए आया होता है। वह अपने साले के साथ जमींदारों के परिवार वाले चौधरी की भव्य हवेली में रुकता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वह मोहिनी संदूर नाम के कॉस्मेटिक कंपनी में काम करने लगता है, जिसका मालिक सुबिनो होता है। सुबिनो बाबू का रोल नासिर हुसैन ने प्ले किया है। हमें पता चलता है कि सुबिनो बाबू ब्रह्म समाज के डेडिकेटेड मेंबर हैं। आगे हम देखते हैं कि बाबू की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जेवा, जिसका रोल वहीदा रहमान ने प्ले किया है। जेवा को और भूतनाथ का रहन सहन काफ़ी फनी लगता है। भूतनाथ को एक अनसोफिस्टिकेटेड देहाती आदमी मानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूतनाथ हवेली में चल रहे इंसिडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और वह चौधरियों के लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होता है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि एक रात नौकर बंसी भूतनाथ को छोटी जमींदार की पत्नी छोटी बहू को मिलवाने के लिए ले जाता है। यहाँ पे बता दें कि छोटी बहू का रोल मीना कुमारी ने प्ले किया है। आगे हम देखते हैं कि छोटी बहू भूतनाथ को मोहिनी सिंदूर लाने के लिए बोलती है। मूवी में हमें पता चलता है कि छोटे जमींदार के बहुत सारे अफेयर्स हैं और यह भी पता चलता है कि छोटी बहू ने मोहिनी सिंदूर इसलिए मंगवाया है क्योंकि छोटी बहू का मानना है कि इस बहाने छोटे जमींदार घर पर रहेंगे। उधर दूसरी तरफ भूतनाथ छोटी बहू की सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जाने अनजाने में छोटी बहू अपने सारे सीक्रेट भूतनाथ से शेयर करने लगती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच क्रॉस फायर हो रहा है, साथ में मार्केट में अब एक्सप्लोड होता है और इसके कारण भूतनाथ घायल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेबा भूतनाथ की देखभाल कर रही होती है। छोटी बहू अपने पति को खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हैं पर वह हमेशा फेल हो जाती हैं। फिर छोटी बहू को लगता है कि उसे शराब पीनी चाहिए ताकि वह अपने पति को अपने पास रख सके। आगे हम देखते हैं कि छोटी बहू शराब पीने लगती है और इस कारण से उसका पति उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेवा की शादी सुमित्रा नाम के एक ब्रह्म समाज के सदस्य के साथ तय कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेवा का पिता मर चुका है, जिसके कारण जेवा शादी करने से मना कर देती है। उधर दूसरी तरफ कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि भूतनाथ एक आर्किटेक्ट ट्रेनी बन गया है। एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा होता है। जब वह वापस लौटता है तो हम देखते हैं कि हवेली खंडहर हो चुकी है। छोटी बहू एल्कोहल ड्रिंकर बन चुकी है और उसका पति पैरालाइज हो चुका है। उधर दूसरी तरफ भूतनाथ को पता चलता है कि उसके बचपन में उसकी सगाई जेबा से हो गई थी। एक रात भूतनाथ को छोटी बहू कहती है कि वह पास के एक मंदिर में अपने बीमार पति के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना चाहती है। इन दोनों की बातें बड़े जमींदार जिसका नाम मछले बाबू होता है वह सुन लेता है और उसे इन दोनों पर शक होने लगता है कि छोटी बहू का अफेयर भूतनाथ के साथ चल रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वह अपने लोगों से भूतनाथ और छोटी बहू का पीछा करने के लिए बोलता है। भूतनाथ और छोटी बहू गाड़ी में सफ़र करते हैं। उन्हें बड़े जमींदार के लोग रोक लेते हैं और वह भूतनाथ पर हमला कर देते हैं। आगे हम देखते हैं भूतनाथ बेहोश होकर गिरा हुआ है और छोटी बहू का अपहरण हो गया है। आगे के सीन में पता चलता है कि भूतनाथ अस्पताल में है और जब वह उठता है तो उसे बताया जाता है कि छोटी बहू गायब है और छोटे जमींदार मर गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि यह कहानी भूतनाथ के फ्लैशबैक में चल रही थी और यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब कहानी फिर से मूवी के स्टार्टिंग में आ जाती है, जहाँ पर भूतनाथ के वर्कर उसे बताते हैं कि हवेली के खंडहर में एक कंकाल दफन पाया गया है। लाश पर रखे आभूषण से भूतनाथ को पता चलता है कि वह छोटी बहू का कंकाल है। अब मूवी की लास्ट सीन आती है जिसमें हम देखते हैं कि भूतनाथ बहुत उदास है। वह जेवा के साथ एक गाड़ी में सवार है जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी शादी जेवा से हो गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस नाम की एक नावल भी है जिसमें भूतनाथ और जेवा की शादी नहीं होती है। यह फिल्म इस मायने में भी खास है क्योंकि इसमें 19वीं सेंचुरी के एंडिंग में बंगाल के जमींदार परिवारों के पतन को दर्शाया गया है।